फिर जब से एंटर हुए हैं आपने यहाँ, सब लोग पढ़े लिखे लोग देखे हैं? देखिए मिक्स है, हर हर तरह के लोग, मेजोरिटी मेजोरिटी जो है वो मेजोरिटी अगर 60-40 की रोशो आप कह लें कि 60% पढ़े लिखे और 40%। सर ये गुलबर्ग है, लाहौर का पोश एरिया, लाहौर मेजर प्रोविंस का मेजर एरिया लाहौर, उसका भी आगे अलीड जो है ना इलाका कम्युनिटी, गुलबर्ग के अंदर आप बरकत मार्केट की बात करें जहाँ सीएस और आईएस के बच्चे होते हैं, इन बच्चों में भी अगर 60-40 का रेशो आपको दिख रहा है तो मुझे बताएं जो इलाके बेचारे बैकवर्ड हैं, जहाँ सोर्सेज नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वहाँ की क्या सूरत हाल होगी? फिर हम कैसे कह दें कि पाकिस्तान में एजुकेशन है और जो एजुकेशन है वो इतनी वर्थफुल है कि दुनिया में किसी भी जगह जाके बच्चे खुद को मनवा सकें जिनकी हिस्ट्री ही गलत है? बड़ी बात है जी, 9 मई तो 9 मई को अगर आप अपने कंट्री के लाहौर जो सेंट्रल पंजाब है उसके इंस्टीट्यूट से बचा सके तो आप दहशतगर्दी कैसे बचाएंगे? आप लोगों का फोकस कहाँ पे? ऐसी चीजें सुधर सकती हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों को जो जिसका काम है उसी को साजे। और जो हिंदुस्तान की टांग खींचते हैं बार बार जाके इस्लाम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट लेते हैं, अगर आप मोदी को देख लें तो मोदी ने जैसे ही इलेक्शंस पास आने उन्होंने कहना पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को हम तबाह बर्बाद कर। सर वो मुझे नहीं लगता, अब वो इतना आगे जा चुके हैं उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान वाकिस्तान करने की, डोंट यू थिंक सो? अभी से मोदी जो है ना 110% यकीन है उसको इस बात का कि मैंने इतना काम कर छोड़ा है पिछले 2 टेन्योर में कि आंखें बंद करके वहां अगला जो है ना वोट उसे देगी देगी। देखें ये पटवारी और जियाले ये ना एक डिजीज है, ये कोई वो नहीं है, ये एक जब तक बंदे में शर्म ना आए तब तक ये चीज खत्म नहीं हो सकती। इस्लाम है नहीं, इस्लाम खत्म हो गया, अगर वो होता तो उसको मतलब अपने आप को मतलब बांधे के कारोबार खुले रहते हैं इनकी, मतलब सब दुकानें खुली रहती है, मतलब इन्हें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ पैसा है, मतलब ये जब इन्हें उस टाइम पता चलेगा जब मतलब दुनिया मतलब खत्म हो जाएगी। फ्रांस छोड़े, आपने फ्रांस का जिक्र किया, फ्रांस छोड़े, सबसे पहले आप यहाँ अपने मुल्क में देखिए पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन में है, पाकिस्तान का बनता नहीं है मगर फिर भी पाकिस्तान को आदत है नाक घुसेड़ने की और यही पाकिस्तान ने फिर एक दफा किया है। इंडिया और कनाडा के दरमियान जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज के दरमियान अपनी टांग घुसाते हुए कहा है कि हिंदुस्तान हमेशा यही करता है, कत्लो गारत भी हिंदुस्तान वाले करते हैं, दुश्मनी भी वही निभाते हैं और दहशतगर्दी भी वहां से ही होती है। ये बिलावल भुट्टो जी का भी कुछ दिन पहले बयान आया और आज फिर पाकिस्तान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया, ये क्या राय रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जब यही लोग गवर्नमेंट में होते हैं तो इन लोग के इस तरह के बयान क्यों नहीं आते, तब इन लोग को जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे तब इनको जबरदस्ती इंडिया जाने की पड़ी हुई थी, वहाँ की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने की पड़ी हुई थी, बेशक कि इंडिया ने इन लोगों को बिल्कुल भी साइडलाइन किया हुआ, मुंह नहीं लगाया था आप कह सकते हैं, साइडलाइन किया हुआ था इन लोगों को, ना प्रोटोकॉल मिला, इवन कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी किसी ने अटेंड नहीं की। तो जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तब इन लोगों के लिए पाकिस्तान सिर्फ पैसा बनाने की मशीन होती है, जैसे इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होती है एक पार्टी जो था एक खानदान है वो दुबई चला जाता है जरदारी वाला, और एक खानदान लंदन चला जाता है। लंदन में इनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की बात हम पाकिस्तान में करेंगे, हम लंदन है, दुबई में ये इंटरव्यू नहीं देते। तो जब एक इंसान ने सिर्फ पैसा ही बनाया पूरी जिंदगी तो इन लोगों ने पाकिस्तान का क्या करना है, पाकिस्तान का इनसे कोई लेना देना नहीं। आजकल आप देखिए मुल्क के हालात कितने खराब हैं और पाकिस्तान की दो नामवर शख्सियत, एक तुर्की बैठे हुए हैं और एक माशाल्लाह से बैरून मुल्क जाके, सब लोग अपने अपने दौरों में मसरूफ हैं जबकि यहाँ पे निगरान हुकूमत जो कि निगरानी के काबिल भी नहीं है उसको छोड़ के गए हैं और आवाम मर रही है। प्रायोरिटीज मैटर करती है ना, जब आप लोगों ने 9 मई को एक बुनियाद बना के सियासी वर्कर्स को ही अंदर करना है तो दहशत गर्दों ने तो घूमना है। 9 मई के बाद अगर आप कराची का ही सिर्फ क्राइम रेट देख लें तो कराची में कितनी वारदातें हुई, इवन के लाहौर में अभी कोई उबर ड्राइवर्स तक बेचारे अपने मोबाइल नहीं बाइक्स पे लगा के फिरते के कहीं स्नैचर ना आ जाएं। तो अब आप लोगों ने सिर्फ सियासी वर्कर्स को, अभी वो अमाद जो जिसका जनाजा हुआ है उसके बाद जनाजा पड़ रहा था और उसके पीछे जी शलवार से पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, जब आपका सारा फोकस ही एक पार्टी को साइडलाइन करने में लगा रहे तो हाँ आप लोगों ने मुल्क में दहशतगर्दी कैसे खत्म करनी है? और इन लोगों को एक मिनट, आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का जो है ना टाइटल देते हुए पाकिस्तान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जानिब से ये होता है, क्या कहेंगे आप? दुनिया तो हमें दहशतगर्द समझती है और हमारा ही नाम जो है ना हमारा टेररिस्ट कंट्री के साथ जुड़ा है। मांगने वालों की ना कोई इज्जत नहीं होती है, दुनिया देखती है कि कौन अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहा है और कौन अभी भी बैसाखियों पर चलना चाह रहा है। पाकिस्तान का हमेशा से यही इशू रहा है, जब भी ये सियासतदान आते हैं इन लोगों को पड़ती है कि जी हम लोगों ने ये कर देंगे वो कर देंगे, ये यही जो सी 16 महीने की हुकूमत थी 14 महीने की हुकूमत जब ये नहीं थे पावर में और इन लोगों ने सोचा था जी हम महंगाई मार्च करेंगे, इनके मार्च ही नहीं थे खत्म होते, अब अगला मार्च आ गया मेरा ख्याल है दूसरा और इन लोग को याद भी नहीं है कि उस टाइम आटा कितने पर था, अब आटा कितने पे, उस टाइम चीनी कितने पे, थोड़ा चीनी कितने पे, ये सिर्फ टोपी ड्रामा। दहशतगर्दी को लेके क्या कहेंगे?
दहशत गर्दी को लेकर यही कहेंगे कि जब आप लोगों ने अपने मुल्क में बॉर्डर नहीं संभालना, आप लोगों ने सियासी वर्कर्स को अंदर करना है, दहशत गर्दी तो आम होनी है। जो आप लोगों का काम है, आप लोगों का फोकस ही कहीं और है। आप लोग गवर्नमेंट में आते हो, आप लोगों का फोकस कहीं और चला जाता है। अफगानी तालिबान हमसे नहीं संभाले जा रहे, टीटीपी वाले हमसे नहीं संभाले जा रहे, आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं, चित्राल हमारा सेफ नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान जो है जान छुड़वा रहे, अब आजाद कश्मीर नारे लगा रहे, हिंदुस्तान वालों को कह रहे हमें ले जाओ, किस नाम का मुल्क है और क्यों लिया था हमने अलग? ये चीज मशहूर है, जैसा करते हैं ना वैसा भरते हैं। जो जो हमने आज तक किया हिस्ट्री में वो वैसे वापिस आना ही है। आप तालिबान की बात करें तो आपको भी पता है तालिबान कैसे आए थे, तो आप लोगों ने जो जो किया है वो इन दी एंड आप लोगों पे आना है। अब आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि आप लोगों ने इन चीजों को इकट्ठे टैकल कैसे करना। पहले सिर्फ दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी को आप लोगों ने टैकल कर लिया, अब आपकी अपनी आवाम नहीं आपसे संभल रही। सर कहां से टैकल कर लिया आपने? कहा जो करना है वो वापस जरूर आना है। कर्मा, इसी कर्मा को लेके आज हिंदुस्तान कहता है कि जो आप लोगों ने कश्मीर में किया था आज वो आप लोगों के पूरे मुल्क में हो रहा है। 2011 या 12 में आपके लंका अटैक्स हुए थे जो टीम के ऊपर हुए थे, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ बिल्कुल ही बंद हो गई थी। उसके बाद आपका अफगान बॉर्डर आपसे नहीं था संभल रहा, ईरान बॉर्डर आपसे नहीं था संभल रहा। आप लोगों के साथ इतने ज्यादा, जब आप लोगों के पास मसले मसाइल हों तो आप लोग अपने जो मुल्क के सियासी हालात होते हैं ना उनके अंदर बिला वजह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब आपने अगर वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था तो आप लोगों ने एक नई चीज छोड़ दी जी, सवात में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जी, सवात में दोबारा से दहशतगर्दी शुरू हो रही है, केपीके में वो मस्जिद के अंदर अटैक हुआ। तो जब उन्होंने लोगों को लोकल को जाके आप सुनेंगे ना तो वो लोग यही कहेंगे कि जी कभी हम लोगों को हर बंदे को चेक करने दे, मैं आपको पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने चेक करने दे तो पता लग जाएगा दहशतगर्दी कहाँ से आती है और कौन करते हैं। मुझे नहीं समझ आती जी दहशतगर्दी इतनी कॉमन है, मतलब कि आप लोग कहने को जी बड़ी बड़ी बात है जी 9 मई, तो 9 मई को अगर आप अपने कंट्री के लाहौर जो सेंट्रल पंजाब है उसके इंस्टीट्यूट से बचा सके तो आप दहशतगर्दी कैसे बचाएंगे? आप लोगों का फोकस कहाँ पे? ऐसी चीजें सुधर सकती हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप लोगों को जो जिसका काम है उसी को साजे, और जो हिंदुस्तान की टांग खींचते हैं बार बार जाके इस्लाम के नाम पे रिलीजन के नाम पे वोट लेते हैं। अगर आप मोदी को देख लें तो मोदी ने जैसे ही इलेक्शंस पास आने उन्होंने कहना पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को हम तबाह बर्बाद कर। सर वो मुझे नहीं लगता, अब वो इतना आगे जा चुके हैं उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान करने की, डोंट यू थिंक सो? अभी से मोदी जो है ना 110% यकीन है उसको इस बात का कि मैंने इतना काम कर छोड़ा है पिछले 2 टेन्योर में कि आंखें बंद करके वहां अगला जो है ना वोट उसे देगी देगी। देखें ये पटवारी और जियाले ये ना एक डिजीज है, ये कोई वो नहीं है, ये एक जब तक बंदे में शर्म ना आए तब तक ये चीज खत्म नहीं हो सकती। मोदी भी इस तरह के लीडर था लेकिन उसने इंडिया का सारा सिस्टम चेंज कर दिया ना। आप लोग पटवारी और जो जियाले हैं जब तक ये नहीं खत्म होने, जब भुट्टो मरना ही नहीं है तो आप लोग मुल्क कैसे आप लोगों का बदलना, मुल्क तो नहीं बदल सकता। जब आज भी बड़े फखर से लोग कहते हैं भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है, एक भुट्टो जाएगा तो अगला भुट्टो आएगा, तो जब तक हम निकालेंगे इन्हीं तो रोटी कपड़ा मकान के ही नारे लगेंगे ना। बस ये उन लोगों के मंशूर तो चेक करें ना, उन्होंने मंशूर इस तरह के सेट किए कि आप लोग उनसे हट ही नहीं सकते। अभी देखें ना आप लोग अपने एहतजाज करेंगे या आप लोग एक दिन का अगर आप काम बंद कर लें, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल 350 पे चला गया, अगर आप एक दिन एहतजाज करें, सोचें जिन्होंने एवरी डे उन लोगों ने अपना जो कमाना है वही उन्होंने उसी की चीज रोज की ग्रोसरी लेके आनी है, तो वो तो एक दिन में भूखे मरेंगे तो वो तो नेक्स्ट दिन नहीं ना आएंगे। और अब लोग इतने डरे हुए 9 मई के बाद कि वो इस तरह का रिस्क ही नहीं ले रहे कि जी हम लोग एहतजाज करें, हम लोग को भी 9 मई में डाल दिया। अब देखें कितने लोग ऐसे हैं जो 9 मई में इनको पता भी नहीं होगा लेकिन उन्होंने कहा जी 9 मई इनको भी अंदर डालो। सर हमारी ऑडियंस को एक दफा जरा रिमाइंड करवाते चले, 9 मई का आपने बहुत दफा जिक्र किया है, क्यों है इतना हिस्ट्री में स्पेशल दिन ये? ये हिस्ट्री में इसलिए स्पेशल दिन है क्योंकि जब इंस्टीट्यूट्स को ये ना पता हो कि हमने कौन से वर्कर्स को किस तरह उठाना है, कौन से वर्कर्स को किस तरह अंदर करना है, कौन से सियासी लीडर को किस तरह के प्रोटोकॉल देने हैं और किन को हमने नवाजना है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। आप लोगों को जब ये साइडलाइन कौमों की जो उनसी फोकस है ना वो ही जब हटा के दूसरी तरफ ले जाया जाए ना तो ये 9 मई वाकयात होते हैं। मतलब कि आपके मीडिया में ये शुरू किया जाता है कि एक नया तुर्की बनेगा लेकिन नया तुर्की का तो बताया जाता है लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स नहीं बताए जाते कि अगर वो फेल हो गया तो 9 मई वाले आपके ऊपर दफात भी लग जाएंगे। तो ये जो नौजवान होते हैं उन लोगों को ये सिर्फ उन लोगों का माइंड वॉश करने वाली चीज़ें हैं जो अक्लमंद है। देखिए जब तक इकट्ठे नहीं आवाम होगी तब तक ये सारी चीज़ें चलती, लेकिन हमारे सियासतदान इतने तेज़ है ना कि 16 मई में उन्होंने इतनी ज़्यादा और मुश्किलात डाल दी आवाम के ऊपर कि आवाम रिस्क ही नहीं ले सकती कि हम बाहर आएँ और एहतजाज करें।
ऐसा ही है सर, जब तक हम अपनी देश में अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करना शुरू करेंगे, मुझे लगता है ऐसे मसले सारी जिंदगी पैदा होंगे। ना कि ये जियाले और ये पटवारी, ये एक डिजीज का नाम है, और डिजीज तब तक आप देखें इन्होंने बेस से पकड़ा है कि हिस्ट्री ही गलत कर दी, बच्चों को पढ़ाया सिखाया ही गलत, कि ना इनको पता चलेगा ना ये पूछेंगे। आप पटवारियों से पूछ लेना कि ये अलकादी ट्रस्ट केस क्या है, तो उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा। पटवारी एक ऐसी चीज है ना कि उनको केसेस का नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने कहना जी नवाज शरीफ, तो इन लोगों का सबसे पहले एजुकेट करने की जरूरत है। और इसमें ऐसा ही है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? आक मोहम्मद आकिब। शबीर अहमद। सर, आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील जिलानी साहब, उन्होंने बाहर बैठ के एक समिट के अंदर, एशिया समिट के अंदर ये बात कही है कि पाकिस्तान की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हिंदुइज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है दुनिया का, उस वो शुरू पाकिस्तान से हुआ था, जबकि पाकिस्तान तो कहता है हम बने भी इस्लाम के नाम पे, हम मरेंगे भी इस्लाम के नाम पे। रिलीजन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसके बारे में उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए इस हद तक चले गए कि हिंदुइज्म स्टार्ट ही पाकिस्तान से हुआ था। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आप ऐसा मतलब जो सवाल करते हैं जिससे मतलब मीडिया के जरिए अवाम को पता चलता है कि अवाम पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो दूसरा ये है कि बहुत से लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है। हाँ, ये बात भी आपकी राइट है, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि अभी आप मुझे बता रही जिलानी साहब आप बता रही हैं। तो ये देखें जी, जिलानी साहब भी ठीक उन्होंने क्वेश्चन किया पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान मतलब बरेसगीर पहले था, उसमें मतलब पाकिस्तान हिंदू पहले कुछ भी नहीं था, मतलब एक नाम था बरेसगीर था। तो वो जो उसके बाद 1947 में मतलब ये पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, तो जिसमें मतलब मुल्क में हो गए। तो दूसरा ये हिंदू मुसलमान ये रंग नस्ल कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में इंसानियत वाला कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ चैप्टर नहीं है। तो दूसरा मतलब ये हम खुद अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, ना कि हमें मतलब कि बाहर से इंडिया ख़राब कर रहा है या इंग्लैंड या अमेरिका, कोई भी हमें नहीं ख़राब कर रहा। हम जब तक तो खुद अपने आप को स्टेबल नहीं रखेंगे तो हमें मतलब हर कोई मतलब हम पे उंगलियाँ उठाएगा। तो देखें, हमारी मतलब ना सियासत हमारी ठीक है, ना हमारी क्रिकेट ठीक है, ना हमारा कुछ और, मतलब हमारा स्कूली मतलब कुछ भी नहीं है। हमारे पास मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मजहब है इस्लाम का, ये भी मतलब स्टेबल नहीं है, ये भी इनके पास इनका अपना ज़ाती मजहब भी ठीक नहीं है। सर, हम तो बड़े बानी बने फिरते हैं इस्लाम के कि हम प्रोड्यूसर ही हम में, हमारे मौलवी मुल्ला कहते हैं कि इजाद ही हमने किया था, मतलब जड़ ही हमने रखी थी अरब, जहाँ से इस्लाम निकला था हम आज उनको छोड़ के हम कहते हैं हमसे सीखो। तो जब हम इतना खुद को दूसरों के सामने इतना रिप्रेजेंटेटर बनाते हैं और फिर हम ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो भी वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी देखें, अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में अब जो इंजीनियर हैं, क्या नाम है, मिर्जा, उन्हें शायद आपने सुना भी होगा। तो वो मतलब आजकल के आए हुए हैं नए, मतलब उन्होंने मतलब इस्लाम को जो पहले फिर थोड़ा बहुत स्टेबल किया था उसको, उसकी मतलब लैंड चेंज कर दी है। वो कह रहे हैं कि नाउज़बिल्ला के मैं मतलब अगर उस टाइम उम्र से आज मैं हूँ। सर, हर इंसान ने अपने मफाद के मुताबिक इस्लाम बनाया, इस्लाम बनाया हुआ बिल्कुल, मतलब आजकल सो बात की है की बात है की चल रही है दुकान, जैसे मतलब ये हमारे पास दुकान है, रिलीजन के नाम पे कारोबार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कारोबार हो रहा है, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में, जो सवाल मैंने इनसे किया? मैम बिल्कुल सही राय रखता हूँ, इसकी सही बातें हैं जो ये कर रहा है। और पहली बात मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है वो पाकिस्तान से, उसकी शुरुआत और बुनियाद पाकिस्तान में रखी गई थी और वो यहाँ से शुरू हुआ है? ये जिलानी साहब ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बात की है कि लोग सुने और वो कहें कि यार पाकिस्तान विजिट करना चाहिए, इतनी हिस्टोरिकल जगह है। जी मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये जैसे ही मसला ने मलाला यूसुफ ने बगावत की थी और भी लोगों ने की है, किसने नहीं की सर, मुझे उससे एक आधे का नाम बता दें, की तो सब नहीं है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिसने भी बगावत की है हमारे नबी करीम के बारे में और वो इधर से उसको निकाल दिया गया है कि उसको इधर सजा होनी चाहिए थी और उसका सर इधर कलम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुपचाप वो इधर से आते हैं अपने बंदे उठा के ले जाते हैं। ऐसा सब कुछ मतलब जैसे देखेंगे मतलब अब वो जो नाउज़बिल्ला कुरान मजीद की जो उस बंदे ने जो है ना फ्रांस में बरामदगी किया, तो मतलब देखें अगर पाकिस्तान में मतलब उन्होंने इस्लाम है नहीं, इस्लाम खत्म हो गया यार, अगर वो होता तो उसको मतलब अपने आप को मतलब बांधा कि कारोबार खुले रहते हैं इनकी, मतलब सब दुकानें खुली रहती है, मतलब इन्हें कोई परवाह नहीं है, मतलब सिर्फ पैसा है। मतलब जब इन्हें उस टाइम पता चलेगा जब मतलब दुनिया मतलब खत्म हो जाएगी। फ्रांस छोड़े, आपने फ्रांस का जिक्र किया, फ्रांस छोड़े, सबसे पहले आप यहाँ अपने मुल्क में तो बचा लें, यहाँ आप मस्जिद ही नहीं बचा पा रहे हैं। और मजहब सबसे पहले इंसानियत सिखाता है और इंसानियत हर मजहब की इज्जत करना सिखाती है। आप मंदिर नहीं बचा रहे, आप मस्जिद नहीं बचा रहे, आप चर्च नहीं बचा रहे, आप कैसे किसी और की हिफाजत करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद,
उमर फारूक सर, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं मसाइल के दौरान एक पाकिस्तान के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब, जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसपे हिंदुस्तान ने क्लेम किया है कि ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना हिस्ट्री की तरफ लोगों को लाने के लिए ये बात उन्होंने ब्लफ मारा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जैसे वो एक फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको बात कोई भी करनी चाहिए तो उसको पीछे ग्राउंड्स पे करनी चाहिए, कोई ब्लफ नहीं करना चाहिए। तो अगर तो ब्लफ है तो दे शुड बी सॉरी फॉर दैट। अदरवाइज जो आप टूरिज्म की बात करें तो पाकिस्तान में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्रमोट किया जा सकता है, जैसे हमारा कल्चरल टूरिज्म है, जैसे हमारे नेचुरल टूरिज्म है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। आप अपनी जो है वो हॉस्पिटैलिटी को कर सकते हैं जो एक्चुअल आप हैं। लेकिन सर हमें तो रिलीजन कार्ड प्ले करना है जिस भी चीज में हो, रिलीजन इस्लाम का कार्ड हो, हिंदुइज्म का कार्ड हो, सिखिज्म का कार्ड हो या फिर ज्यूइश का कार्ड हो, कोई भी हो, हमें रिलीजन कार्ड खेलना नहीं, रिलीजन कार्ड नहीं खेलना चाहिए। बेसिकली रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव चीज है और उसको सेंसिटिव ही रखना चाहिए और उसको बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान में करंटली जो सिनेरियोस चल रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि हम पोक कर सकते हैं किसी और की, लाइक टांग कर सकते हैं किसी और की बात में? फिलहाल जो हमारे अपने सूरत हाल है, नहीं, हमें करना भी नहीं चाहिए किसी और की, और बहुत सी पिछली गवर्नमेंट का भी नैरेटिव रहा है कि हमें किसी और की बातों में उलझना नहीं चाहिए। हमें नैरेटिव सबका होता है लेकिन बात वही गवर्नमेंट करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कनाडा और इंडिया के दरमियान होने वाले इख्तलाफ में घुसते हुए कहा है कि हिंदुस्तान तो है ही टेरिटोरियल स्टेट और ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, लोगों पे ऐसे जुल्म करते हैं, दहशतगर्दी यहीं पे होती है, जबकि आप देखो पूरी दुनिया जो है ना इस चीज को कर चुकी है, प्रोमिनेंट कर चुकी है कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। नहीं नहीं, हमें जो अपना नैरेटिव, अपना एक मौकफ रखना चाहिए, जो भी है, जो हमारा एक्चुअल है कि हम लोग एक पीसफुल नेशन है और हम लोग एक पढ़ी लिखी नेशन है। हमारे बहुत से लोगों ने बाकी हम पढ़े लिखे नेशन है, यस ऑफ कोर्स। ये आप खुद को या डीएचए कम्युनिटी को या सोसाइटी को देख के नहीं कहें, आप एक दफा विजिट करें, दौरा करें पूरे पाकिस्तान का, फिर आप बताइएगा मेजॉरिटी ऑलवेज हाजिर है। मैं किसी दूसरी तरफ नहीं जाता, मैं अपनी तरफ लूंगा कि मुझे तो मेरा पता है कि मुझे मेरे वालिदैन ने तालीम अच्छी दिलवाई और मैं ना। क्या आपके इर्द गिर्द के या यहाँ बरकत मार्केट जब से एंटर हुए हैं आपने यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग देखे हैं? देखिए मिक्स है, हर तरह के लोग, मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी अगर 60-40 की रोशो आप कह लें कि 60% पढ़े लिखे हैं और 40%। ये गुलबर्ग है, लाहौर का पोश एरिया, लाहौर मेजर प्रोविंस का मेजर एरिया लाहौर, उसका भी आगे अलीड जो है ना इलाका कम्युनिटी गुलबर्ग के अंदर आप बरकत मार्केट की बात करें जहाँ सीएस और आईएस के बच्चे होते हैं, इन बच्चों में भी अगर 60-40 का रेशो आपको दिख रहा है तो मुझे बताएं जो इलाके बेचारे बैकवर्ड हैं जहाँ सोर्सेज नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वहाँ की क्या सूरत हाल होगी? फिर हम कैसे कह दें कि पाकिस्तान में एजुकेशन है और जो एजुकेशन है वो इतनी वर्थफुल है कि दुनिया में किसी भी जगह जाके बच्चे खुद को मनवा सकें जिनकी हिस्ट्री ही गलत है? नहीं देखिए, आपकी जो बात है वो अगर मैं 10 साल पहले की बात करें तो फिर मानने में आती थी, अब क्योंकि डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा ने बहुत से लोगों को, एरा है दुनिया के लिए, हमारे लिए थोड़ी हमारे लिए, हमारे लिए भी है ये, आप ये नहीं कह सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जी ये हमारे लिए एरा नहीं है। जी है हमारे लिए एरा, अब हमारे यहाँ यूट्यूब चलता है। यूट्यूब चलता है यूट्यूब चलता है और भी 4G आए ना, यूट्यूब चलता है। नहीं यूट्यूब चलता है, यूट्यूब आपको स्किलफुल भी करता है, अब दोनों चीजें है ना कि एक जो है वो जो चीजें हमारे बच्चों को 3-4 साल से पता चलने लगी है ना, वो भी आफ्टर कोविड, क्योंकि घर बैठ के और काम नहीं होता था, मोबाइल उनके हाथों में आए हैं, वो दुनिया बहुत साल पहले सीख के छोड़ के मूव ऑन कर चुकी है। नहीं देखिए, मूव ऑन नहीं किया, हम लोग जो डिजिटल एरा में रह रहे हैं हम उनके साथ हैं। बेसिकली होता है क्या है कि हमारी जो है वो बच्चों के लिए ना सोचने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है, जैसे उसको माशी जो है वो तंगी का, दुनिया के बच्चे वेले हैं। नहीं नहीं, वेले नहीं है उनके पास, जो है वो कम से कम ये बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो पहले वो ही नहीं होती, इसी वजह से जो है वो उनका फोकस ही नहीं होता, ये उनका प्राइमरी फोकस ये होता है कि यार बच्चा नौकरी लग जाए, कोई रोजी रोटी अच्छी कमानी लग जाए, ठीक है, कोई पढ़ाया ही इसलिए जाता है। पढ़ाया तो ऑब्वियसली वालदैन का नैरेटिव, वालदैन इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बच्चे के ऊपर, यार मेरा तो फ्यूचर में मेरा सहारा बनेगा। तो सर ये नैरेटिव जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तान का है, दुनिया में लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं, उनकी हुकूमत 18 साल तक बच्चे को अफोर्ड करती है, उसके बाद बच्चा अपने ओन पे होता है, उसको जॉब देती है, वो लोग इसलिए बच्चे को एजुकेट नहीं करते हैं कि बच्चा कल को सहारा बनेगा माँ बाप को, वो इसलिए एजुकेट करते हैं कि बच्चे को नॉलेज बहुत जरूरी है, उसने गोद से गौर तक सीखना है, उसको इल्म ही उसके लिए सब कुछ है, वो इस वजह से एजुकेट करते हैं। हमारे यहाँ यही सोच है सबकी जो आपकी है कि वो माँ बाप का बाजू बनेगा इसलिए पढ़ाया जाता है। नहीं ये सोच
है, ठीक है, लेकिन काजू बनने के लिए सिर्फ डिग्रीज आती है, इल्म नहीं आता। देखें उनके पेरेंट्स के ऊपर, अगर आप फॉरेन को, यूरोप को या दूसरी यूएसए को आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उनके लिए सोचने के बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, ब्रेड एंड बटर के अलावा चीजें, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनकी ब्रेड एंड बटर का भी ख्याल रखती है, ठीक है। हमारी जब यहाँ पे हमारे बेसिकली क्या है, हमारे जो है वो जो सिविल राइट्स हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ सिविल राइट्स हैं, ठीक है, जिस वजह से वालदेन